बेटी हो तो ऐसी हो, नहीं तो ना हो। शॉपिंग बहुत सारी की है, थक गए हैं। क्या करना बाहर जाके? लड्डू खाने। अरे 10 रुपए में 4 आते थे। वो कौन से जमाने की बात कर रहे हैं? आपको बचपन नहीं चल रहा, बड़े हो चुके हो आप। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? शाम का टाइम है और हम पूरा त्याशार होके बैठ गए हैं और बैठे ही रहना है क्योंकि हम कहीं जा नहीं रहे। हम मम्मा की वेट कर रहे थे और मम्मा आ ही गए हैं। हमारी उम्र थोड़ी ना घूमने फिरने की यार। मॉल गई, मैं शॉपिंग करके आई हूँ। शॉपिंग शादी आ रही है आज, करीब कर क्या लेके आई होगी? पर्स अपने लेके। मैंने बोला था ना मम्मा को पर्स लेना, तो आज खुद ही शॉपिंग करा है अकेले अकेले। ड्रेस नहीं लेके आई मैंने, सिर्फ पर्स लेके आई। गए थे ड्रेस लेने के लिए, कहते मैं ड्रेस लेके आती हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, साड़ी का सब अच्छा लगेगा मेरा पर्स। वाह, ये सबको बता मम्मा की ये मेरा पर्स है। अच्छा? ये वाला मैं ऑलरेडी व्लॉग में दिखा चुकी हूँ ना। मैं सोचा था मैं जो अपना पर्स दिखाओ, आप जो आप खुद लेके आए हो देखो। वाह वाह, सही है मम्मा, बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया। दिल से बोलना, अच्छा लगा आपको? एक सेकंड, दिल में जुबान होती है, दिल में दांत होते हैं, दिल में मुंह होता है। हाँ। दिल से कैसे कोई बोल सकता है? अगर वो बोल भी दे दिल से, आपको आवाज कैसे आएगी दिल से? दिल से बातें तो फीलिंग से होती है। दिल से दिल दिया, बात कवर भी करनी थी मैंने। बहुत सुंदर है, स्पेस भी सुंदर लग रहा है ना। सच्चे मन से बोल रही है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सच्चे मन से ऐसे कह रहे जैसे उसने मतलब भक्ति करनी है। एक काम गलत हो गया मुझसे। जितने पैसे थे ना मेरे पास, मैंने ना पर्स ले लिया सारा, तो अब पर्स में रखने के लिए पैसे नहीं है। पैसे नहीं ना, मैं क्या करूं? तो मम्मा ये बात हमें थोड़ी ना कहनी है, ऊपर जाके पापा को बोलो, पापा पैसे डाले नहीं। पापा पैसे डाले, मैं साक्षी को बोलूं मैं पैसे डालेगी। मम्मा आपने मुझे पैसे देने कि मैंने आपको पैसे देने? नहीं, आप तो हम मुझे पैसे बच्चों बच्चों से कितने चाहिए बताओ आप? जितने हैं मेरे अकाउंट में, जितनी इसकी बड़ी पॉकेट है ना उतने पैसे डाल दो। फिर 10-10 रुपए वाले ही डालने पड़ने हैं। मुझे नहीं लगता कि ये 500 के नोट डालने से भरे हैं, मेरा अकाउंट जरूर खाली हो जाएगा इसको भरने के चक्कर में। आपने बोला ना, तो अब इसमें पैसे मैं ही डालूंगी। थैंक यू बेटी हो तो ऐसी हो, नहीं तो ना हो। द नेक्स्ट डे। हेलो, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माई चैनल। तो मिलिए मेरी दीदी से। तो अभी मुझे ये नहीं पता कि इनका इंट्रोडक्शन व्लॉग मनी के चैनल पे आ चुका है या नहीं आया जब मैं मम्मी के घर आई हूँ, क्योंकि अभी मैं हूँ फिलहाल मम्मी के यहाँ पे और मैं रहने आई हूँ अभी, है ना। अब हम 4-5 दिन यहाँ पे ही रुकेंगे और घूमेंगे फिरेंगे। हाँ, अभी भी हम घूमने ही जा रहे हैं। तो अभी फिलहाल हम चल रहे हैं मॉल। रीजन क्या है मॉल जाने का? शॉपिंग। आपको पता है कि मैं गर्मियों के कपड़े लेके ही नहीं आई, मतलब यार ऐसे कैसे, मुझे समझ नहीं आई कि मुंबई से कपड़े क्यों नहीं लेके आई गर्मियों के। लेकिन वो फिर भी कम ही लगते हैं। वो तो होता ही है, पर इस बार है ही नहीं। आगे जब होते हैं तब कम लगते हैं, इस बार है ही नहीं तो कितने कम लग रहे होंगे। और आज हम जाएंगे कैसे? ई रिक्शा पे, क्योंकि यहाँ पे अंदर जो है वो कैब नहीं आती। और टिटू बाजी आज छुट्टी पे, उनकी भी थोड़ी तबीयत खराब है, और यहाँ से अभी हम जाएंगे ई रिक्शा, उसमें ज्यादा मजा आता है। कैब की बड़ी वेट करनी पड़ती है, बाहर जाना पड़ता है, फिर वो ई रिक्शा भी जाना है, क्योंकि मार्केट डायरेक्ट क्यों नहीं जाते। मार्केट बहुत छोटी है, तो इस वजह से फिर अब हम ऐसे, ये भी एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं अपना एक्सपीरियंस। आया पसंद? मुझे भी नहीं आया। आज मैं GoPro में शूट नहीं कर रही, इस वजह से मुझे फोन में बनानी नहीं आ रही वीडियो। यार शर्ट कितनी खुली खुली लग रही है, ये असल में मेरे लिए बनी है। जब मेरा मन हो जाएगा ना बोर, तब दे दूंगी मैं। हाय पहले क्या दूँ? एक यही तो है जो अभी मेरे पास है, नहीं लेके जाएंगे। हाँ फिर दे दूंगी। यहाँ पे लिया जा रहा है आई लाइनर, फाइनल हुआ कुछ? शॉपिंग हो गई है आईलाइनर और मस्कारा की। फर्स्ट टाइम मैं ये वाला ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि हमेशा मैक का ही मस्कारा ट्राई किया है, बट मुझे लगता है ये वाला ज़्यादा अच्छा होगा। अभी हम आ गए हैं फूड कोर्ट में और कुछ खाने लगे हैं। यहाँ पे है ही नहीं कोई खास ऑप्शंस, डोमिनोज है वहाँ से, KFC हम वहाँ कुछ खाते नहीं, और पिज़्ज़ा हट में पिज़्ज़ा ही है। फिर हम डोमिनोज से ही कुछ ट्राई कर रहे हैं इस बार, टैको और जिंगी। तो देखते हैं, मैंने तो अभी दोनों नहीं कभी ट्राई किए। मैंने दोनों किए हैं। मैं शॉपिंग बहुत सारी की है, थक गए हैं। तो अभी फिर थोड़ा सा आराम करना था, इसी बहाने हमने सोचा कुछ खा लें, भूख भी लगी हुई है। ये है
छोटा सा जिंगी सॉरी जिंगी है, और ये टैको बेल्स। चलो खाएं अब, बहुत भूख लगी बहुत ज्यादा। अभी खाना मजा बिल्कुल नहीं आया खाने का, जो भी इन्होंने इनकी मर्जी से आज मैंने खाया, पर बिल्कुल अच्छा नहीं था। मैं पहले पठानकोट खाती हूँ, वहाँ पे अच्छा था, अच्छा नहीं मिला। यहाँ ज्यादा लोग आते नहीं शायद, इस वजह से अच्छा नहीं बनाते। तो शॉपिंग दिखाना अपनी, ये देखो आज इतनी सारी शॉपिंग हो गई है ना। और यहाँ पे अभी हम आए हुए कुर्तीज वाली शॉप में, ये तो अचानक वाला प्रोग्राम बना, हमें जायज खर्चा बना था, सूट ही डलने कुर्ती डलने। हाँ, हमें चाची के घर जाना है, वहाँ कुछ प्रोग्राम है, तो वहाँ कुर्ती का रिक्वायरमेंट है, तो वो थी नहीं हम दोनों के पास। तो मैंने सोचा मैं घर जाऊंगी, उससे अच्छा है कि कुछ नया खरीद लेते हैं। तो मिल गया हमें फाइनली अच्छा। मैं तो घर भी नहीं जा सकती, नहीं तो हम बहाना लगाने वाले थे। तो फिर अभी चलते हैं घर, और घर जाके हम थोड़ी सी रेस्ट करके फिर जाएंगे चाय पी के। दीदी का चाय नहीं, साक्षी के आती नहीं यार, मैं अमृतसर आई हूँ। चलो मैं चलाती तो मैं भी लाती ना। चलो मैं बना दूंगी, मम्मा घर पे नहीं है ना तो नुकसान हो गया। A few moments later. क्या करना बाहर जाके? लड्डू खाने। बस मैंने बोला नहीं खाने, कहते मैं खाने, तो फिर वहाँ ले जाओ विशाल के, बाहर वहाँ गरम गरम मिलेंगे। चले लड्डू बोल दिया आपने, तो अगर किसी ने ये सोचा कि मोतीचूर का लड्डू खाना, फिर वो नहीं खट्टे वाले लड्डू। हाँ, वो यहाँ मिलते हैं ना। किसने से? आपने खाए? ये कौन से होते हैं, लखनपुर वाले लड्डू? वैसे वाले लड्डू होते हैं जो अमृतसर से मिलते हैं, टेस्टी मिलते हैं, खट्टे वाले लड्डू। तो मुंह में पानी आ गया, पर पता नहीं मिलते कि नहीं मिलते, यहाँ बाहर मिलते हैं मॉल। ये मेरी कोई खातिरदारी नहीं कर रही, जो इनके घर पे होते हैं ना तो मन ही होता है खिलाने खिलाने का। हाँ। ये मैं गलत बंदे के साथ आ गई हूँ, मेरे साथ रहोगे तो ऐश नहीं करोगे। चलो दीदी नजर नहीं आ रहा, चश्मा लगा के ढूंढ। हाँ अब ढूंढा जाएगा लड्डू वाला, वो है ना वही। हाँ। है ना वही है ना, देखा खुश। मुझे सिर्फ भैया नजर आ रहे थे, उनका वो नहीं आ रहा लड्डू वाला नजर। नजरें इतने कमजोर है, कुछ नहीं दिख रहा। हमने तो चले जाना था ना अभी वापस, अब फिर कहते खातिरदारी नहीं की। कमाल है, मैंने ही बोला था कि वो देख क्या है चश्मा लगा के। पहले 10 रुपए में 4 आते थे। वो कौन से जमाने की बात कर रहे हैं, आपको बचपन नहीं मिल रहा, बड़े हो चुके हो आप। 2 प्लेट लगा दो भैया, ये देखो मुंह में पानी आया। सबसे पहले ये बड़ी अच्छी होती है, टेस्टी। इसमें गाजर का असली मजा होता है, और मम्मा ने जब ये वीडियो देखनी है ना उनके मुंह में पानी आना, क्योंकि उनको तो ये गाजर बहुत पसंद है। तो अभी हम फाइनली घर आके तैयार हो गए हैं बिल्कुल। दीदी ड्रेस दिखा दो यार अपनी, मेरे भी ऐसी ही है कुछ। तो अभी उधर मम्मा भी खड़े हैं, तो अभी हम जा रहे हैं चाची के घर। चाची लेट हो गए बहुत ज्यादा, पास में ही रहते हैं 3 गली छोड़ के। हाँ तो फिर अभी हम जाएं, चलो तो मिलते हैं आपसे कल सुबह। आज का व्लॉग तो मैं थोड़ा ही बना पाई हूँ, क्योंकि मॉल में भी मुझे ज्यादा माहौल नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि अब इतनी हैबिट गोप्रो में बनाने की हो गई है ना, तो मुझे फोन में थोड़ा सा ऑकवर्ड सा फील हो रहा है। गोप्रो मंगाओ अपना, इधर मंगवाना पड़ेगा या नया लेना पड़ेगा। मैंने मनी को बोला कि एक और ले लो मेरे लिए, क्योंकि मुझे भी चाहिए यार, अब मुझे भी कहीं जाना होता है अकेले। तो चलो जी मिलते हैं आपको कल सुबह। बाय बाय।